नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अपनी कविता की वजह से चर्चा में आए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कल यानी रविवार को बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ क्रिकेट खेला। बताते चले आपको कि मनोज झा के हर एक गेंद पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने खूब शॉट लगाए। सभी को पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं। जितने राजनीति में सक्रिय हैं उतने ही खेल में भी सक्रिय नजर आते हैं। और बता दें आपको कि मनोज झा के साथ कल क्रिकेट खेलते हुए नजर आए तेजस्वी प्रसाद यादव। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निवर्तमान अपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला और प्रधान सचिव संतोष कुमार मलन ने भी तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बॉलिंग की, लेकिन कोई तेजस्वी यादव को बोल्ड नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव तीनों की गेंद पर चौके छक्के लगाते रहे। बाउंसर आ रही बॉल पर भी तेजस्वी कमाल दिखाते नजर आए। बाउंसर आने वाले हर बॉल पर चौके छक्के लगाते तेजस्वी यादव के लिए खूब तालियां भी बजी। सैकड़ों दर्शक या वीआईपी क्रिकेट देखने के लिए मौजूद थे। सड़क से गुजर रहे लोग अपने वाहन खड़े कर तेजस्वी की बैटिंग देखते रहे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से सात मूर्ति से आर ब्लॉक जाने वाले फ्लाईओवर के नीचे पटना टेलीफोन भवन के सामने के खाली स्थान पर बनाए गए क्रिकेट और बैडमिंटन ग्राउंड में तेजस्वी प्रसाद यादव खेल रहे थे। बताते चले आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव जितने राजनीति में सक्रिय हैं उतने ही खेल में भी सक्रिय नजर आते हैं। आए दिन तेजस्वी प्रसाद यादव का खेल से जुड़ा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है। कल यानी रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और उनका यह फोटो भी वायरल हो गया। तो बहरहाल इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफी मायने रखता है। धन्यवाद।